अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ प्रोफेसर शकील अब्बासी। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है कि अफरातेज़ार या इन्फ्लेशन, इसकी पाकिस्तान में वजूहात क्या हैं। एक जनरल भी एक ये लेक्चर इसे समझें और विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। काजीज तकरीबन एक तरह की ही होती हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन होती है। और मैं आपसे ये गुजारिश करता जाऊँ कि दरमियान में मैंने गर्सी कर्ज़ों पर सर्कुलर डेट पर लेक्चर दिए हैं, तो ये एक जो मेरा टॉपिक एक चल रहा था उसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि अफरातेज़ार होता क्या है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन और उसकी काइंड्स क्या हैं। इस पर मैंने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था, मेरा ख्याल है वो अगर ज़हन में रखें तो थोड़ा सा मैं रिव्यू करता जाऊँ कि मैंने ये डेफिनेशन शपीरो की जो है वो मैंने बताया कि अ परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कीमतों में मुसलसल बढ़ना और चढ़ना जो है एक काफ़ी अरसे तक उसे अफरातेज़ार कहती हैं। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, तो ये वो सारी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं पाकिस्तान के ये हवाले से जो है वो ये बात करूं कि वो जो मैंने आपको बताई थी कि उसमें स्लम फ्रैक्शन है, यानी आपकी कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं लेकिन आपकी जीडीपी जो है वो कम हो रही है। और इसी तरह जो सलर्स इन्फ्लेशन है कि कीमतों में इजाफा जितना है मार्केट उससे ज़्यादा सलर जो है बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये सलर्स इन्फ्लेशन है। इसी तरह की जो है वो आपकी एसेट इन्फ्लेशन है कि असासों में जिस तरह सोना चांदी या आपके जो गोल्ड है उसकी कीमतें जो है जो बढ़ना शुरू कर देती हैं, तो इसे एसेट इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरह आपके स्टैगफ्लेशन, प्राइसेस बढ़ रही हैं और आपकी जो जीडीपी जो है वो आपकी ज़ीरो हो जाती है, रियल जीडीपी। लेकिन एक साथ ही सेमी फ्लेशन या पार्शियल इन्फ्लेशन या कैनेजियन इन्फ्लेशन इसे कहती हैं कि एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद जब आपकी कंट्री के पूरे सोर्सेज जो हैं यूज़ हो चुके हैं तो उसके बाद जो आता है तो उसे वो जेन्युइन आप इसे इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन कहती हैं। लेकिन उससे पहले ही जब आपके फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन, आपकी मजदूरी फारक बैठी है, ज़मीन भी आपने नहीं है, ऐसा वो जो है आपके पास कैपिटल यूज़ नहीं किया, उससे पहले जो इन्फ्लेशन आ जाता है इसको सेमी इन्फ्लेशन या पार्शियल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम जो नेशनल लेवल का जो मैंने आपको बताया था जीडीपी सीपीआई वगैरह, वो इन्फ्लेशन जो पिछले साल यानी 2022 में जो है वो तकरीबन 12% शो किया था। जीडीपी का वाला वो मेजरमेंट यहाँ पे नहीं करते, वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। भारत ये जो सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो इस तरह का जो है, मैंने जो बताया कि स्लम फ्लेशन है, स्लम फ्लेशन और ये आपका सेमी इन्फ्लेशन, एसेट इन्फ्लेशन, सरल इन्फ्लेशन और क्वांटिटी इन्फ्लेशन, ये इस तरह की ये सूरत हाल है। बार ये साथ साथ ही मैं आपको बताता जाऊँ, अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ। आज मैं आपको ये बताता जाऊँ, आप 1 अप्रैल 2023 है और शाम के तकरीबन 10:45 में, और मैं आपसे ये गुजारिश करता जाऊँ कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब भी करें और लोगों को बिताएं। बहुत सारे लोगों का शुक्रिया, उन्होंने बहुत पसंद किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो ये मैं इसे कोशिश करूंगा कि इसी पे फोकस करूं। तो पाकिस्तान में जो है ये रीजंस क्या हैं इन अफरातेज़ार की या महंगाई क्यों हो रही है, तो आप इससे पहले ये समझें कि दो चीज़ें इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई, तलब और जो है रसद। तलब बुनियादी तौर पे हर जो है जो भी लेन देन होता है एक साइड पे खरीदने वाला होता है, दूसरी साइड पे बेचने वाला होता है। तो इकोनॉमिक्स में जो है तलब जो है वो जो और कानून तलब जो है वो जो 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 कंज्यूमर है, जो सारिफ है, जो सर्व करने वाला, यूज करने वाला, उसके तर्ज अमल को जो शो करती है, और दूसरी साइड पे एक बेचने वाला, दो पार्टीज होती हैं हर ट्रांजैक्शन में। तो वो जो है रसद जो है वो बुनियादी तौर पे बेचने वाले के तर्ज अमल को और उससे जो है जो सर जो प्रोवाइडर है, सप्लायर है, उससे बहस करती है। तो दोनों सूरतों में जो है शय की कीमत का होना जरूरी है, और शय की उसी शय की कीमत होगी जिसकी जो है रसद तलब के मुकाबले में कम होगी, यानी रसद जो है वो चीज़ शार्ट होगी, स्केर्स होगी। यही वजह है कि हवा जो है इसकी हम जो है वो ऑक्सीजन की कीमत जो है वो अदा नहीं करते, चूँकि इसकी जो है वो जो तलब के मुकाबले में रसद कुदरत ने जो है वो काफ़ी रखी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसकी ये कीमत है। तो कीमत होनी चाहिए, और दूसरा सारे के लिए जो है विलिंग होना चाहिए, और तीसरी बात जो है वो क्या है, उसकी कुत्ते खरीद होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, अदरवाइज
वो उसकी ख्वाहिश ही होगी, तलब नहीं होगी। ये फर्क है माशियात में। तलब से मुराद आपके पास एक तो बिलिंग हो, आप वो शेयर खरीदना चाहते हैं, आपके पास कुफ्ते खरीद हो, पैसे हो, और तीसरी बात जो है उस शेयर की कीमत हो। इसी तरह फरोख्त कार के लिए भी ये उस शेयर की कीमत एक खास कीमत पे वो मुहैया करता है। खरीदार जो है वो कम से कम कीमत देने की कोशिश करता है और फरोख्त कार ज्यादा से ज्यादा कीमत। तो ये एक जो है कॉन्सेप्ट है। तो दोनों जो है वो आपके ये इसके साथ ही ये जहन में रखते हुए मैं समझता हूँ कि मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ कि क्या वजूहत है। तो एक साइड पे डिमांड है, डिमांड में अगर जो है वो महंगाई उस वक्त होती है ये डिमांड में जो है वो इजाफा हो जाए, सप्लाई उतनी रहे, या डिमांड उतनी ही रहे, सप्लाई में जो है वो क्या आ जाए, कमी हो जाए। तो ये मुख्तलिफ जो रीजन से इम्बेलेंस जब क्रिएट होता है, अगर डिमांड से सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है तो कीमतें गिर जाती है, वो तो तफरीत सारे डिफ्लेशन उसे कहते हैं या नेगेटिव इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आज जो है वो इन्फ्लेशन के बारे में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ तो इसी पे रहते हैं। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो दो रीजन से, फिर इसे आगे बाइफर्केशन जो है वो करते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल जो उस मुल्क के अंदर जो है जो भी है समाजी सियासी और मुआशी स्पेशली जो है वो रीजन होती हैं, और एक्सटर्नल जो उस मुल्क की जो जोग्राफियाई हदूद से बाहर की जो है वो जो फैक्टर्स होती हैं उनको हम कहते हैं कि एक्सटर्नल जो है। तो मैं ये मिक्सअप करके जो है जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो जो है अलग अलग इन्हें लिखने में साथ साथ बताता भी जाऊंगा। तो ये एक दो चीजें डिमांड और सप्लाई साइड पे है, इंटरनल और एक्सटर्नल है, और इन्फ्लेशन की मैंने आपको किस्में भी बताई हैं और इन्फ्लेशन जाते खुद क्या है। तो ये जो है अभी मैंने आपको बताया कि 2022 में अभी की फोरकास्ट वो जो है वो 17% IMF ने की थी, लेकिन अभी जो है वो बता रही हैं CPI जो है अभी जो कि इकोनॉमिक सर्वे आना है तो उसके बाद ही जो है, क्योंकि एक साल के बारे में हमें अंदाजा होगा, तो मेरा ख्याल है ये मोर देन जो है वो आपका 20% होगा, इन बिटवीन 20-30% होगा। और मैंने आपको जो किस्में जो बताई हैं वो उसमें जो है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, माइनर इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं 2% तक, फिर 3% से आगे ये माइल्ड इन्फ्लेशन होता है 5 तक, फिर 10 तक जो है वो आपका होता है क्या नाम है वॉकिंग, फिर जो है 10 से 20 तक जो है आपका ये क्या नाम है रनिंग, और 20 से 100 तक फिर आपका जो है वो होता है गैलपिंग, और 100 से 1000 तक हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है 20% से हम एक्सीड करेंगे तो हम जो है ये माइल्ड इन्फ्लेशन जो बात कहती है 3 और 5 के दरमियान जो है ना, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, ये मैं आगे जो है डिस्कस करूंगा इसके इम्पैक्ट पे भी। तो अभी जो है सूरत हाल ये है कि हम जो है वो क्या है रनिंग इन्फ्लेशन के फेज में है। तो रीजन क्या है उस पर, तो सबसे पहला एक तो रीजन जो है बताया जाता है जो हम किताबों में टेक्स्ट बुक्स में ये मुख्तलिफ जो है वो राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर बल्कि मैट्रिक से लेके आगे जो पढ़ाई जाती है कि वो ये है कि सप्लाई ऑफ मनी एम वी इज इक्वल टू PT, जो इरविंग फिशर की जो इक्वेशन है कि अगर वो सप्लाई की जो है वो मनी की सप्लाई जर की रसद डबल की जाए तो कीमतें डबल हो जाती हैं। ये इसमें सप्लाई मनी मैटर्स, ये जो जर की रसद है वो ज्यादा अगर हो जाती है उसकी कई वजूहत है, वो क्या है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो नोट ज्यादा प्रिंट करती है। नोट ज्यादा क्यों प्रिंट करती है, गवर्नमेंट की जो है जब जो वसूलियां कम होती हैं, अखराजात ज्यादा होती हैं, उनको मीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या करती है बैंकों से कर्जे लेती है, या पहले बाहर से लेती है अपने बैंकों से लेती है, अपने बैंक से वो जाहिर सी बात है एक लिमिट होती है। मसलन हर साल गवर्नमेंट हमारी जो है तकरीबन 1100 जो पिछले बजट के मुताबिक जो है ना, अब तो इन्हें बहुत ज्यादा चाहिए, यानी तकरीबन 2000 बिलियन डॉलर चाहिए सालाना। तो ये बाहर की भी लिमिट है वो नहीं देते कर्जा, IMF है जो मल्टीलेटरल है और बाइलेटरल है, IMF वर्ल्ड बैंक की मल्टीलेटरल है, और किसी एक मुल्क से सऊदीया से अमेरिका से या फ्रांस से हम लेते हैं, ये बाइलेटरल है। तो जब ये पूरा नहीं होता वहां से रकम, तो फिर ये जो है क्या आती है इंटरनल रिसोर्सेज से, अपने कमर्शियल बैंक से भी ले लिया है, बाहर से भी ले लिया, लेकिन वो मसलन 2000 अरब जो है वो रुपया चाहिए तो वहां से मिला है मसलन 1500 अरब मिला है। तो 500 अरब का जो है वो दरमियानी जो है जो डेफिसिट है, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है नए नोट जो है वो जारी करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब वो नए नोट जो है 500 अरब के जो है मार्केट में आते हैं तो प्रोडक्शन तो उतनी नहीं होती, तो लोग जब खर्च करने जाते हैं तो उस जो डिमांड बढ़ जाती है अशिया की, तो वो अशिया पर जो है महंगी हो जाती है। जब भी डिमांड जो है ज्यादा होती है उसकी रसद मार्केट में फौरन तो नहीं, कारें जीपे और रोटी कपड़ा मकान ये फौरन तो नहीं बन सकती, तो उसकी वजह से ये इम्बेलेंस क्रिएट होता है। और वो लेकिन यहाँ पे ये मैं आपको बताता जो कि पाकिस्तान में ये मनी सप्लाई जो है ना, ये चूंकि IMF की स्ट्रिक्ट जो है कंडीशंस की कंडीशनैलिटीज की वजह से
उन्होंने मॉनिटरी वो जो है जो पॉलिसी सख्त बनाई है, अभी भी मेरे ख्याल 17% जो है बैंक डिस्काउंट रेट, वो रेट जिस पे बैंक जो मर्जी बैंक जो है तजारती बैंकों को वो देता है कर्जा, वो जो है वो 17-18 यानी बहुत ज़्यादा सूद जो है चार, तो कर्ज जो बैंक जो है ना वो कर्जे कम जारी करते हैं। तो इस तरह मनी सप्लाई आपकी मेरा ख्याल है 9.7 ट्रिलियन है ये 2022 में। तो मनी सप्लाई आपकी बुनियादी तौर पे पहले जो है हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है 21 में था, जो 27% था, अब ये कम हो रहा है। तो ये रीज़न मेरा ख्याल है नहीं है पाकिस्तान में सप्लाई ऑफ मनी यानी ज़र की रसद का इजाफा उतना नहीं है, लेकिन ये एक फैक्टर होता है, इसी और मुल्क में हो सकते हैं, इससे पहले 12 रहा है 2001 में। तो ये दूसरा एक जो है फैक्टर है वो हमारे यहाँ वो कार्टेल्स का है। कार्टेल्स क्या होती हैं? ये कार्टेल जो है मोनोपोली की वो किस्म है कि मुख्तलिफ जो है अशिया तैयार करने वाले जो अदारे हैं या फैक्ट्रियां हैं वो आपस में मोनोपोली की सूरत में, तो एक जो है फार्म या शख्स जो है ना वो शेयर की रसद पे कंट्रोल किया होता है। कार्टेल की सूरत में जो है ना एक से ज्यादा जो है ना काफी सारे लोग हैं, जिस तरह फर्टिलाइजर है हमारा तकरीबन 9 मैन जो है वो है, इसी तरह बैंक से आपके 31 जो है शायद मैन जो है वो बैंक है, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल वगैरह, इसी तरह आपकी 232 जो है वो टेक्सटाइल मिल्स वगैरह जो है ये हैं। तो ये इस तरह आपके शुगर जो है तकरीबन 80 जो है यूनिट्स हैं आपके, घी जो है मिल्क के यूनिट शायद 155 जो है काम कर रहे हैं। तो ये आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं कि ओके इलाका तकसीम कर लेते हैं या कीमत भी कहती हैं कि ओके ये कीमत इससे कम आपने नहीं बेचना। सीमेंट वाले हैं या ये हमारे यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री ये सीमेंट की हैं, ये भी मेरा ख्याल है नियर अबाउट 50 या 55 है। तो ये आपके जो है ना वो क्या कर लेते हैं, ये इताअत कर लेते हैं कि हाँ जी इससे कम नहीं भेजना। और मुनाफा कमाने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि होल्डिंग एक मेथड जो होता है वो होल्ड कर लेते हैं या सप्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो शॉर्टेज पैदा होती है, डिमांड तो है उसकी वजह से आपका जो है इन्फ्लेशन आता है। तो यहाँ पर बेसिकली कार्टेल जो हैं इनको अब जो है वो आगे मैं आपको जिक्र करूंगा कि वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। तो ये एक हमारी शुगर जो है देखें, ये जो पिछला जो स्कैंडल इमरान खान साहब के ज़माने में आया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी आया, ये शुगर माफिया जो कि गवर्नमेंट बेंचेस में भी बैठे होते हैं, अपोजिशन में भी इस टाइम तीनों बड़ी पार्टियाँ हैं, उन सब में जो है बड़े बड़े लोग ये शुगर माफिया का हिस्सा है। और उन्होंने या शुगर की जो है रेट जो बड़े बढ़ा गए, तो हर एक जो है इंडस्ट्री ने इस तरीके से बजाय प्रोडक्शन बढ़ाएं 1-1 अरब रुपया जो है इन्होंने मुनाफा जो कमाया है। तो ये आपका जो है ये इसकी वजह से महंगाई होती है, ये कार्टेल जो है काम कर रही है। एक और जो है फैक्टर आपका जो है वो है प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन पाकिस्तान में जो है वो कम हो गई है, बहुत सारे रीजन है, पॉलिटिकल भी है, लेकिन इकोनॉमिक जो है प्रोडक्शन जो है वो आपकी बिजली महंगी है, सर्कुलर डेट है, फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, इसकी वजह से प्रोडक्शन आपकी गाड़ियां धड़ाधड़ बिक रही थी, मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं 45% से 47% उनकी जो है डिमांड कम हो गई है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा डॉलर जो है वो रुपया और डॉलर का जो है रेट है, एक्सचेंज रेट जो है हमारा बहुत 170 या 160% जो है वो हमारी करेंसी जो है इसकी वैल्यू जो है डीवैल्यू हुई है, तो बहुत ज़्यादा है इस वजह से। इसी तरह आपकी शुगर की है, इसी तरह आपकी आटा बल्कि वीट है, जो फ्लड की वजह से वो डैमेज जो हुआ है, वीट मेज अनियन और ये सारे जो हमारा जो 2022 में जो है जुलाई से अगस्त तक जो है सैलाब आया, $30 बिलियन का लॉस हुआ हमें, तो इसमें जो ये डैमेज हुई है उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कम हुई है। जब प्रोडक्शन कम होगी तो इसका मतलब सप्लाई कम है, सप्लाई कम होने की वजह से ये देखिए आटे का बुरान और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये एक प्रोडक्शन कम होने की वजह से इन सेक्टर्स में। एक और जो फैक्टर है वो है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के जितने रेवेन्यूज हैं उससे ज़्यादा वो गवर्नमेंट क्या है एक्सपेंडिचर। मैं बार बार मिसाल देता हूँ 2022 का यानी 21-22 का जो बजट है उसमें तकरीबन नियर अबाउट 4,755 बिलियन रुपीज का डेफिसिट है, यानी गवर्नमेंट के नेट रेवेन्यू जितने हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर। रेवेन्यूज जो है ये तकरीबन 4,500 के करीब है और तकरीबन 8,000 जो हैं कि 700 शायद जो हैं वो एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसमें से 9% जो है डेवलपमेंट, 871 बिलियन मैंने आपको बताया, बकाया सारे जो हैं नॉन डेवलपमेंट हैं। नॉन डेवलपमेंट वो हैं जो
की पदवार में इजाफे का बायस नहीं बनते, मेंटेनेंस यूं समझें जो एक्सपेंडिचर्स हैं, रेकरिंग इन्हें कहते हैं। तो इसकी वजह से जो डेफिसिट है गवर्नमेंट का, बजट डेफिसिट अभी जो है वो शो पिछले दफा जो बजट में हुआ 3.5% ऑफ द जीडीपी जो है शो कर रही है, अब तो ये बढ़ के तो शायद 7 या 8% हो गया है। तो गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है लेकिन इसे कंट्रोल आप नहीं कर सकते, बजट बारह वो मिनी बजट भी आया है। तो ये एक मेन जो है बजट डेफिसिट की वजह से, यानी जब आप अखराजात ज़्यादा करते हैं और आपकी आमदनी कम है तो ज़्यादा अखराजात का, जब गवर्नमेंट के अखराजात C+I+G जो है जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती हैं लोग, यानी जितना खर्च ज़्यादा करेंगे उतनी अशिया की तलब ज़्यादा होगी। जब लेकिन मार्केट में प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया कि ड्यू टू सर्टेन रीज़न उनकी पैदावार कम है, जब पैदावार कम है तो फिर जाहिर सी बात है आपके जो है रेट जो है बढ़ेंगे और इसी का नाम जो है वो अफराते ज़र है। मैं आपको जो बता रहा हूँ घी है, आटा है, चीनी है, वो चीज़ें हैं, ये इसके जो है वो एक साइड पे प्रोडक्शन कम हो रही है और दूसरी साइड पे डिमांड जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से जो है बढ़ रही है। एक जो है ये सेलेस्टियल कैलेमिटीज़, आसमानी मुसीबतें जो आती हैं, जलजला है अभी तो खैर उसने डैमेज नहीं किया जो है, 2-4 दिन पहले जो है तो हमारा जो फ्लड आया 2022 का जो है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उसकी वजह से खासे लोग जो हैं बेघर हुए हैं, पुल तबाह हुए हैं। तो मैंने 30 बिलियन जो है एस्टिमेट जो आपको बताया $1 बिलियन का, तो ये उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर 35% ऑन द एवरेज है, ये हमारी मैन क्रॉप्स कौन सी हैं जो है आपकी काटन जो है हुई है, राइस है, और ये इन्हें कहती हैं कैश क्रॉप्स, और आपका जो क्या नाम है शुगर कैन जो है हुआ है, और छोटी छोटी सब्जियाँ ये सारी जो चीज़ें जिस तरह अनियन और पल्सीज और ये सारी हमारी डैमेज हुई हैं, कुछ स्टोर में जो रखी हुई वीट है वो भी डैमेज हुई है। तो ये आपकी कैलेमिटीज़ की वजह से जो है वो चीज़ें ये शार्ट हुई हैं, जिसकी वजह से देखिए प्याज के जो है रेट है मार्केट में, इसी तरह काटन एक और भी उसका इम्पैक्ट जो है हमारा वो पड़ेगा, कि चूंकि 60% काटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है हमारा एक्सपोर्ट्स में वो हिस्सा है, और वो एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी, और जब एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो डेफिनेटली हमारा जो है वो क्या नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल नहीं होगा तो फिर जो एक्सचेंज रेट इफेक्ट करेगा, हमारी जो है रुपये की कदर और गिरेगी, तो चूंकि हमें और कर्जा लेना पड़ेगा फिर कर्जे भी बढ़ेंगे। तो ये सारा इकोनॉमिक्स में एक जिस तरह बॉडी है आपकी एक जिसम है, उसी तरह ये इंटरलिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें, एक अगर ख़राब है, आंखें खराब हैं तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी वो उस तरह काम नहीं कर सकते, इसी तरह जो है वो हार्ट अगर काम नहीं कर रहा तो जो आपके जो एक अगर बाजू नहीं है, तो ये आपका इकॉनमी इसी तरह है जिस तरह आपका एक जिस्म है और उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, और अगर वो उनमें से एक भी नहीं काम कर रहा तो आपकी पूरी बॉडी जो है उससे उसकी वर्किंग जो है उसकी उसका फंक्शन जो है वो अफेक्ट होगा। तो ये एक जो है वो आपका जो बहुत बड़ा जो है कैलेमिटीज जो है वो इसी तरह आपका स्मगलिंग जो है एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और ये हमारा इकोनॉमिक भी फैक्टर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और पॉलिटिकल भी है, कि हमारे मुल्क में डाटा तो मैंने अभी आर की वो साइट पे देखा है, कोई डाटा मुझे अवेलेबल नहीं, लेकिन इधर इधर जो है से मैंने जो किया है वो तकरीबन 3 जो है वो सालाना 3 बिलियन डॉलर, यानी आज के यूँ समझें कि तकरीबन 800 या 900 अरब रुपए की जो चीज़ें हमारे जो मुल्क से बाहर चली जाती हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो है कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 9 बिलियन डॉलर की चीज़ें बाहर से, जिसमें ये टायर ट्यूब जो हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं, ये जो है स्मगल हो गए जो हैं, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ मुबारक इवन इंडिया से जो हैं आ रही हैं हमारे मुल्क में, तो ये इसी तरह मेडिसन्स हैं ये आती हैं, ये वो कहती हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री को, तो नेट अगर देखें 9 और 3 अगर देखें तो 6 बिलियन डॉलर का हमारी स्मगल्ड आइटम का ये जो है वो, यानी तकरीबन ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इतना ही तो फाराना जो है वो कर्जे इतने जो हैं वो लेते हैं। तो ये एक जो है चीज़ें जब ये स्मगल होती हैं स्पेशली जहाँ से बाहर जो जाती हैं, जो मुल्क के अंदर आती हैं उसका नुकसान तो ये है कि रेवेन्यूज जो है वो कलेक्शन नहीं होती, जो मुल्क से बाहर जाती हैं रेवेन्यू का भी जो है कलेक्शन गवर्नमेंट को नहीं होती, आमदनी कम होती है टैक्स की मदद चूंकि इलीगल चैनल से जाती है। दूसरा ये है कि मुल्क के अंदर चीज़ें शार्ट हो जाती हैं, ये जो इसमें देखें हमारे यहाँ जो गंदम है ये, और मैं वो बताऊँगा कि अफगानिस्तान की आबादी 4 करोड़ है और वहाँ पे कोई प्रोडक्शन या इंडस्ट्री या इस तरह की जो चीज़ें नहीं है, इधर से वो शेयर कर रही हैं 22-23 करोड़ आवाम तो हमारी है 4 करोड़ वो भी हैं, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक अगर 1-1 करोड़ उनकी भी लगाएं तो तकरीबन इस टाइम जो है बाहर के ममालिक में
ये बन जाते हैं 7-8 करोड़ आबादी जो है और भी है वो हमारी इस इकोनॉमी पे डिपेंड कर रही है। वहां पे ये आपके घी है और दूसरी चीजें हैं ये वो शेयर करती हैं, मेडिसिन शेयर कर रही हैं, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे जब यहाँ पे शार्ट होती हैं तो वो उनके लिए स्पेशली ये फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है आपने देखा होगा, क्योंकि ये स्मगल। और आप ये एक और चीज आ गई है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैं आगे भी जिक्र करूंगा, ये लैप्सिस हैं कि और वो बताती हैं कि ये जो डॉलर है ये 90% होल्डिंग है, एक फैक्टर होल्डिंग का भी है कि 90% और 10% स्मगल होता है जो गवर्नमेंट के अदारे कह रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के अदारों के जो है वो रिलायबल नहीं है, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी शो करनी है। अगर वो ये बताएं कि इतनी स्मगलिंग हो रही है 90%, तो फिर ऊपर जो बैठे हैं वो पूछेंगे कि हाँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर इतनी स्मगलिंग हो रही है। लेकिन ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज यही है, ये सारी चीजें। और अब एक नया फैक्टर आ गई है अफगानिस्तान वार की वजह से, यहाँ पे जो ट्रेड में लोग इन्वॉल्व हैं चाइना से या दूसरे सेंट्रल एशियन पब्लिक से या अफगानिस्तान के लोग जो हैं, ये इनका एक ऐसा चैन बन गया है कि ये उधर से ईरान, आपने देखा होगा मार्केट में जो फ्रूट है और मुख्तलिफ चीजें हैं, जो कपड़ा है और बहुत सारी चीजें इन ममालिक से, तो ये यहाँ इन मंडियों में इनका कंट्रोल है फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स में, और वहां से ये इनकी ट्रांसपोर्ट भी अपनी है, ये वहां से जो चीजें लेके इधर आती हैं यहाँ पे छोड़ जाती हैं और यहां से लेके उधर चले जाती हैं, यानी यहां से उधर स्मगल करती हैं और इधर से इधर स्मगल करती हैं। तो पहले तो ये होता था वन साइडेड, तो इनको कास्ट भी बहुत ज्यादा पड़ती थी। अब यह है कि ये खाली गाड़ियां तो नहीं जाती, और भी चीजें बीच में ड्रग ट्रैफिकिंग भी करती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी ये करती हैं। तो ये फैक्टर है जिनकी वजह से जो है ये क्या है, हमारा स्मगलिंग का बहुत बड़ा एलिमेंट है और ये बहुत जो है वो बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। और ये सारे इदारे जो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उन्हें पता है इस चीज़ का और हमें भी पता है, हमारे भी रिश्तेदार जो हैं हर शख्स के वहाँ पे उन इलाकों के साथ उनका रब्ता होता है, इसी सोसाइटी का वो पार्ट एंड पार्सल है। तो ये एक जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जब इस मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट तो यहां से फ्लाइट, वो एक्सचेंज रेट जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है, कोई पता नहीं है, दूसरे दिन जो है फिर डॉलर, तो लोग क्या करते हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल क्या है, यहां से रुपए की बजाय दूसरी करेंसीज में जो है वो कन्वर्ट करके तो अपना पैसा बाहर लेके जा रही है थ्रू इलीगल वे से, ये भी है लीगल वे से नहीं लेके जा रहे, और इससे पहले भी ये होता रहा है, ये पनामा लीक जिसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जो इन्वॉल्व है, उसके अलावा भी एक जो लीक भी आई थी, ये सारी जो है वो चीजें जो है वो उन लोगों के असासे हैं। ये नैब वालों ने भी जो है वो अब जो है वो ये माफ कर दिया है, एक प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने फारग किया, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि रिकवरी कुछ भी नहीं हो रही, उससे पहले सरे मार, ये तो वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में है, लेकिन इसके अलावा जो हाइड आउट्स में है, मैंने बताया कि 200 जो है बंदे जो है वो पनामा लीक्स में आए हैं, लेकिन और लोगों के खिलाफ शायद उस तरह केस नहीं चला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस तरह अब लोग जो हैं और इनकरेज हुए हैं, ये बहुत बड़ा माफिया है जो कि काम कर रहा है। तो ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो हैं अयान अली, वो सारे ऐसे सल्तियां बनाते रहे और मेरा ख्याल 700 मिलियन शायद या 500 to 700 मिलियन डॉलर एक ही उसमें लेके गई हैं, और वो कहते हैं कि इस तरह के कई जो हैं अयान अली जो हैं मौजूद हैं जो कि ये कई काम करती हैं बड़ा। और सबसे बड़ा जो है कि ये इकोनॉमिक से ज्यादा जो है नॉन इकोनॉमिक है, मैं आगे वो डिस्कस करूंगा ये, और वो है अनसर्टेनिटी। ये जो आपके सॉरी प्रेसिडेंट बुश ने कहा था कि इंसान के दो दुश्मन है, वो है अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, गैर यकीनी सूरत हाल, और जब आप जो है पेशिन गोई ना कर सकें फ्यूचर के बारे में, ये दो दुश्मन है कि हम फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर सकते, और जो भी प्लान करेंगे वो आपका जो है वो क्या होगा, वो प्लानिंग सही नहीं होगी। तो ये आपका अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से जो है ये सारा वो पैदावारी यूनिट्स भी वो पता नहीं क्या होगा, ऐसे सूरत हाल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो उतनी प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं होती तो फिर जो है वो क्या है, डिमांड होगी तो है। तो ये एक जो सबसे बड़ा एक जो है ना हमारा, एक साइड पे गवर्नमेंट ये इस चीज पे फोकस कर रही है कि हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा ज्यादा हो, हमारी इंपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना अदायगियों के तवाजन में गैप बढ़ता जा रहा है। तो जब एक्सपोर्ट जो है गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश करती है तो वो चीजें यहां से मुल्क से बाहर चली जाती हैं, मैंने अभी जिक्र किया है सब्जी जो है आपकी फ्रूट वगैरह, ये भी जो है आप एक्सपोर्ट करने पर आ गए, और तो आपके पास कोई चीज है नहीं, वही कार्टन है वही राइस है और वो सारी चीजें, एक तो फ्लड की वजह से कुछ कम हुई है, कुछ जो है वो बाहर चली जाती हैं, तो एक्सपोर्ट आपके पास सरप्लस नहीं है,
यानी आपसे लोकल मार्केट में अपनी जरूरत के मुताबिक ये गंदम जो है हमारे पास सरप्लस मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, लेकिन अब क्या है आप ये डेफिशिएंसी है इसकी बाहर से मंगवा रही हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ये इसकी कीमतें जो है यहाँ पे शार्ट है, इसकी वजह से ये बढ़ रही हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है वो बात है। और एक और जो है चीज जो मैं आपको बताता चाहूँ वो है हमारे यहाँ लोगों ने अब एक नया कल्चर आ गया है, और वो क्या है हम जो है प्रोडक्शन की बजाय ट्रेडिंग पे आ गए। ये जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, ट्रेडिंग से बजाय इसके कि यहाँ पे चीज प्रोड्यूस करने के, यहाँ पे आप जो है वो कोई गाड़ी मसलन जो है मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे गाड़ी बनाने के आप छोड़ेंगे ना, चाइना से ले आए वहां से अगर जो है वो 2 करोड़ की लेके आए, इधर जो है वो 2 करोड़ 10 लाख की बेच दी तो दरमियान में से मुनाफा कमा। इसी तरह जो है एक शूज है वो वहां से लेके आए बजाय यहाँ पे बनाने के, ये यहाँ पे बनाए चाइना में वो सस्ती है जो है वो वहां पे 100 रुपए का लेके आएंगे, यहाँ पे 500 का बेच देंगे। तो ट्रेडिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन, जो कि टैक्स देने पड़ती है और लेबर है यहाँ पे और उसकी सुपरविजन। तो लोग अब ट्रेडिंग की तरफ जा रही है, धड़ाधड़ चाइना से इंडिया से स्मगल माल आ रहा है और दुनिया के जो है ममालिक से आ रहा है, तो ये इसकी वजह से जो है वो आपकी ट्रेडिंग की वजह से जो है वो आपको क्या नाम है यहाँ पे उतनी चीज़ें तैयार नहीं हो रही। लोग कुछ लोग जिनके पास पैसा है वो मुनाफा कमा रहे हैं बारह, और अगर ये भी ना हो तो और अफरातेजार जो हैं वो मैंने आपको बताया स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में ये मैं मेंशन करता जाऊँ कि जब अनसर्टिनिटी होती है अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है तो लोग अपने पैसे को किधर चैनलाइज करती हैं, कोई ऐसी फील्ड में लेके जाती हैं कि जहाँ पे उनके एक्स्ट्रा केयर ना करनी पड़े और वो रिस्क तो जितना हाई रिस्क हाई रिवार्ड ये इकोनॉमिक्स में बात है। तो लोगों ने आप पाकिस्तान में या प्रॉपर्टी है या गोल्ड है या जो है डॉलर खरीद रहे हैं, एक तो बाहर भेज रही हैं, दूसरा स्पेकुलेशन कर रही हैं बैठे बैठाए। मसलन ये 100 रुपये था आज से 2 साल पहले मेरा ख्याल है जो है एक्सचेंज रेट के, एक डॉलर जिसने लिया है और अगर वो मार्केट में वो रहा है तो उसके इसका मतलब है कि वो अगर एक डॉलर लिया है तो बैठे बैठाए एक डॉलर के साथ उसने 160 रुपया कमा लिया है, और अगर ये अरब रुपये की बात हो अगर उसके ये 1 अरब था तो उसने उसके साथ जो है वो कितने जो है वो डॉलर जो है वो कमा लिए हैं ये रातों रात जो है वो अमीर। तो ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो है ये है। एक और जो है हमारे अफराते ज़र की बुनियादी वजह जो है वो एक्सचेंज रेट जो है हमारा वो फ्लैक्चुएट करता है। एक्सचेंज रेट क्यों फ्लैक्चुएट कर रहा है ये सारे रीजन्स हैं, ये मार्केटिंग है और ये हमारे पे प्रेशर है, इम्पोर्ट जो है हमारी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट जो है वो हमारी स्क्वीज कर रही है, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हमें कर्जे लेना पड़ती हैं, कर्जे जब लेना पड़ते हैं तो हम उनकी शरायतें हैं IMF की हैं वर्ल्ड बैंक की हैं यानी मल्टीलैटरल या बायलैटरल हैं। इस टाइम आपके कर्जे 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा और इस पर हमने जो है तकरीबन 25 बिलियन डॉलर जो हैं वो हमें जो है डेट सर्विसिंग, यानी डेट सर्विसिंग का मतलब है असल रकम प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट तकरीबन $5 बिलियन जो है हमें जो है वो पे करते हैं और हमें करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा रकम जो है इसकी वजह से हमारा जो है प्रेशर है हमारी जो है, जब अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं या आपके मुल्क से जो है वो इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रकम आ रही है और आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, आपकी करेंसी की अगर डिमांड बढ़ती है, आपकी चीज़ें है ही नहीं बिकी नहीं रही, वो कुछ तो शार्ट है आपके पास जो है वो ठीक है वो बेच रहे हैं लेकिन लिमिट यानी आपका 32 बिलियन जो है ये 38 पे शायद गई थी एक्सपोर्ट वो कम हो गई है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है कि आपके और मैंने एक्सचेंज का बताया कि 160% डिवेल्यूएशन के 1.5 साल में जो है वो हो चुकी है रुपये की, इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी है, ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है और हम जो है वो कहाँ पे जो है वो रनिंग इन्फ्लेशन वाली सूरत हाल में है, 20% और 30% के दरमियान है। इसकी वजह इंटरनेशनल जो है मार्केट में ऑयल एंड गैस प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं, 110 जो है बैरल तक गई हैं, अब जो है वो कम हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट वो नीचे उसके जो है अच्छे असरात नीचे इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट जो है नेशनल लेवल पे जो है नेशनल सेविंग कर रही है जाके और जो है वो जगहों पे खर्च करें, तो इसलिए जो है ये आपकी जो है ऑयल एंड गैस स्पेशली उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा जो है अफरातेज़ार जो है वो पैदा हो रहा है, जो कि आपकी ट्रांसपोर्ट है मशीनें हैं ये सारी जो है पेट्रोल या गैस पर जो चलती हैं, बिजली है ये सारी उसी से बनती है, तो इस तरह जो है बहुत बड़ा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपकी फॉरन इन्वेस्टमेंट मैंने कहा कि आपके मुल्क में अगर पैसा आ रहा है
तो 1.5 ट्रिलियन आ रहा था, अब जो है 700 मिलियन डॉलर जो है ये आ रहे हैं। तो वो भी आपके मुल्क में पैसा आना, फिर फॉरन रेमिटेंसेस थी वो भी कम हो गई हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी और इलीगल वे से जो आ रही हैं, और इलीगल वे से जो आ रही हैं वो इसी तरह खास मकासद के लिए यूज़ होती हैं, और वो भी जो हैं ये खास सेक्टर में जो हैं वो मसलन एसेट इन्फ्लेशन की तरफ जाती हैं। अगर वो प्लाट खरीद रहे हैं तो प्लाटों के रेट बढ़ेंगे और उसके ज्वेलरी के पड़ेंगे, और वो एन मुमकिन है कि स्पेकुलेशन कर रही हैं और उधर भी जा रही हैं। तो ये हाउसिंग सेक्टर जो है स्पेशली ये ये रिसर्च है जो ओवरसीज जो है एम्प्लॉयमेंट की जो एक अदारा है। अफगान रेफ्यूजीज जो है हमारे लिए जो है बहुत बड़ा, जो मैंने अभी बताया कि उनका फ्रीक्वेंट जो है मोबिलिटी है, यहाँ पे भी उन्होंने जो है नेशनैलिटी ले रखी है, और वो ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर सी बात है और बिजनेस में है, और बिजनेस में भी वो ज़्यादातर जो है वो इसी तरह की जो है एक्टिविटीज़ करती हैं, नेफेरियस जो है वो एक्टिविटीज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत बड़ा जो चैलेंज है ये जो है क्राइम्स में इजाफा और ये सारी चीज़ें। एक गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट कम करने के लिए जो बैन लगाया था, उसकी वजह से जब बैन लगता है गाड़ियाँ जिस तरह उस तरह उसके रेट इसलिए भी बढ़े हैं कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट एक्सचेंज रेट जो है वो हुआ है, और बैन जब लगाया है तो शार्ट होने की वजह से जो है इनके रेट जो है ना मेरा ख्याल है 10 लाख से लेके 50 लाख पर यूनिट जो है गाड़ियों के रेट बढ़े हैं। और जो भी चीज़ें जो इम्पोर्ट बिल था वो कुछ खाने पीने की चीज़ें जो इम्पोर्टेड थी वो भी उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। तो फॉरेन डेट जो है मैंने अभी जिक्र किया है, ये एक फैक्टर है। फॉरेन डेट इतने बढ़ चुके हैं कि उसको जो है मैंने कहा है 25 बिलियन जो डॉलर जो है वो हमें चाहिए उसको जो है डेट सर्विसिंग के लिए, और हर साल तकरीबन 30 से 40 जो है बिलियन डॉलर हमें जो है मज़ीद चाहिए अपने जो है डेफिसिट को जो है कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपका ये इसमें ये मैन जो है ये इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो। अब दूसरे आ जाती हैं पॉलिटिकल फैक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। पॉलिटिकल क्या है, इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, कोई गवर्नमेंट कोई कोई टिक के बैठ नहीं जाता। ये उसी तरह है कि जिस तरह आप एक जो दिन चौकीदार रखें उसने थोड़ी वाकफियत की क्या है आपके जो है फिर दूसरे दिन चेंज कर दें, तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ जो है सफ आ रहा है और इलेक्शन नहीं हो रही 90 डेज का, और ये सारे जो है आपने देखा है खींचा तानी और पूरे टीवी चैनल हाइप क्रिएट की हुई है, और ऐसी सूरत में जो है आपकी जहाँ इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी, और वहाँ पर लोग अब फाकों तो नहीं रह सकते, उन्होंने डिमांड तो करनी है ना किसी तरह। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर जो है ये जो मैंने कहा था कार्टेल वगैरह, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर है। हमारा जो है जो कहती है ना इन्हें क्रीम जो है वो कहती हैं DMG पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो ये पावर शेयरिंग में जो है इससे जो है ये हिस्सेदार बनती हैं। अगर आम घराने का भी जो है बंदा है जो जो लड़का है या लड़की है वो CSS कर जाता है तो वो आगे कोई प्रैक्टिकली नहीं करते कि कोई होल्डिंग कर रहा है कितनी कर रहा है, बल्कि वो उनके साथ शेयर होल्डर हो जाती हैं। जो बॉर्डर पे भी उनकी जो ड्यूटी है तो वहां पे मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा CCP है, ये CCP है जो है कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान, जिसका काम है कि ये इस तरह की मार्केट जो मैं जो इंटरफेरेंस कर मार्केट इम्परफेक्शन होती हैं डिमांड एंड सप्लाई की कुतों को जो है जो डिस्टर्ब करती हैं वो उन कुतों को जो है ये क्या करें ये कंट्रोल करें। उसमें पब्लिसिटी भी शामिल है कि अगर कोई इस तरह की जो करती हैं तो उनके डिफरेंट जो है रूल्स हैं वो वायलेशन होल्डिंग है या कुछ ज़्यादा। तो देखने में आया कि गुज़श्ता कई सालों से ये जो है बेबस है, मतलब चीनी की रेट बढ़ती हैं ये प्राइस डिटरमिन करती हैं, ये कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो है, अगर कास्ट कम है और ये प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, लेकिन वो उसको जो है वो कुछ समझते ही नहीं है CCP के वो जो डायरेक्शन को। और ये इनका खुद भी मैंने वो उसको जो उनकी वेबसाइट आप भी देख सकते हैं, मैंने मसलन उनके मुख्तलिफ केसेस पढ़े। केसेस क्या हैं, निबान पैंट ने और हमारे जो इंडस्ट्रीज भी देख लें, निबान पैंट ने एक जो है मैं मसलन कोट करता हूँ और आप भी पढ़ सकते हैं, ये नलसन एक पैंट कंपनी है उनके खिलाफ दावा किया है कि इन्होंने डैमेज किया है और ये जो पब्लिसिटी जो की है ये गलत की है, और वो भी देख लें पब्लिसिटी क्या की है। पब्लिसिटी ये की है कि कोरोना जो है वो ये जो हमारा पैंट है ना कोरोना वायरस को मारता है इसको कंट्रोल करते हैं, तो उस बेस पे तो ये हमारा इस तरह के केस जो CCP भी जो है वो देख रहा है। तो इंस्टेबिलिटी और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क है ये डिफेक्टेड है जो CCP है। उसके बाद जो हमारी इंतजामिया है जो 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 कमिश्नर्स हैं जो मैजिस्ट्रेट्स हैं ये अपने इलाके में जो है इन चीज़ों को
जो कंट्रोल नहीं करते, स्मगलिंग है, होल्डिंग है, ये इनको कंट्रोल करें तो ये अपराध ज़्यादा कम हो सकता है। ये चीनी जो है स्टोर की होती है इंडस्ट्रियों में, आम जो है दुकानों में, गलियों में, जो भी है सीमेंट, इसी तरह जब वो मेगा करना चाहते हैं, ये कार्टेल्स के खिलाफ एक्शन नहीं करते। एक रीज़न ये भी है कि बहुत जो है गवर्नमेंट में यही होती हैं, मुख्तलिफ तगड़े इदारों में जो है जो पावरफुल उनमें भी ये हैं, क्योंकि अब तो जो ताकतवर इदारे हैं उन वो भी जो है ये यही काम कर रहे हैं, उनका भी सीमेंट, उनकी भी जो चीज़ें वो जो है बाहर बिक रही हैं। इसी तरह है हमारी पॉलिसीज जो है ना, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है, मतलब वो हमारी जो ट्रेड जो है बेहतर करने की, हमारी एक्सपोर्ट जो है प्रमोशन में वो जो है हेल्प आउट नहीं करते, जो कॉमर्स अटैची हैं वो मेरे ख्याल है वहाँ पर इंजॉय करती हैं, अपनी लाइफ को, अपनी जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते नहीं हैं, और इसकी वजह से फिर ये हमारी जिंगोइज्म जो है वो हमारी अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बन रही, ईरान के साथ भी नहीं बन रही, इंडिया के साथ भी नहीं बन रही, लीगल ट्रेड वो हमने अलाउ नहीं किया हुआ, इलीगल वे से फिर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारी पॉलिसी जो है फॉरन सोशल, और सबसे बड़ी बात यह स्मगलिंग कब होती है, स्मगलिंग उस वक्त होती है जब आपके मुल्क में जो है कीमत यहाँ से जो है इंडिया या अफगानिस्तान में, उस वक्त जो चीज़ जाएगी जब यहाँ पे सस्ती होगी और वहाँ पे महंगी होगी, तो ये इसको कंट्रोल करना चाहिए कि हाँ जी यहाँ पे और वहाँ के रेट जो है ना वो, तो ये तब जो है वो कंट्रोल होगी। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है उस साइड पे जो है वो क्या है काम नहीं करते। यहाँ पे देखें डीजल जो है ये बाहर से जो है वो सस्ता में, बिजली जो है वो ईरान जो है वो गैस सस्ती दे रहा है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी चूंकि इस तरह की नहीं है, प्रो अमेरिकन है, अमेरिकन जो है वो जब उनके अगेंस्ट होती हैं तो वो कहती हैं नहीं ये पाइपलाइन नहीं जाएगी। तो ये एक जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये भी इसमें जो है ये इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपका साथ ही साथ आपकी जो सोशल है, ये आपका आ गया इकोनॉमिक, दूसरा आ गया पॉलिटिकल, ये मैन मैन में शार्ट कर रहा हूँ भारत। सोशल जो है डायमेंशन हमारा क्या है, जिसकी वजह से जो है अपराधे ज्यादा, सोशल डायमेंशन क्या है, ग्रीड है, लालच है, हिर्स है, जो है हम लालची हैं, जो है हम मुनाफे के लिए जो है अपनी धरती माँ को भी भेज देंगे ये स्मगलिंग करने वाले। ये बेसिकली सोशल इशू भी है, ये नहीं देखते कि हाँ जी वो कहती हैं पैसा बस जो है वो बच्चे बेच रही हैं, औरतें बेच रही हैं, सब्जी फ्रूट फल जो है कपड़े हर चीज़ जो है ना बाहर जो है पैसों की खातर जो है बेच रही हैं। तो ये लालच है ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है इकट्ठा करना, और उन्हें पता है कि आप दो रोटियाँ और सिंपल सी लाइफ बेसिक नीड जब पूरी हो जाती हैं तो हमारे यहाँ ये यही किसी ने सही कहा कि जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में यही फर्क है कि वहाँ पे वो कहती हैं कि हाँ जी बेसिक, अगर कोई करप्शन करता भी है तो वो कहते हैं बेसिक उसके बाद एंजॉय करता है, यहाँ पे सारी उम्र करप्शन करते रहती हैं और एंजॉय नहीं कर सकते, कब्र में चले जाते हैं। तो ये ग्रीड है, ये सोशल डायमेंशन है, 97% मुस्लिम से, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये लालच और मजहब आया ही है इसलिए कि आपके अंदर जो लालच है इससे वो काम इसीलिए कहा गया है कि दूसरे जो वो हमें से मुसलमान है जो दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद नहीं करता जो अपने लिए पसंद करे, तो ये जो है वो ग्रीड जो है लालच है। दूसरी बात है इनसिक्योरिटी, हम इनसिक्योर फील करती हैं, हम आटा जो है हम कहते हैं पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर हमें ज़रूरत है 20 किलो तो हम जो है वो तकरीबन जो है 120 किलो जो है वो इकट्ठा कर लेती है। चीनी जो ही खबर मिलती है यहाँ जी चीनी महंगी होगी, अंडा और महंगी होगी, ठीक है इकोनॉमिक फैक्टर्स है लेकिन स्टोर कर लेते हैं, इसकी वजह से और पैनिक क्रिएट होता है। यही जो मेडिसिन का भी है, तो ये हमारा इनसिक्योर हम फील करती हैं, यहाँ ये चीज़ पतनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो चूंकि स्टेट की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, यहाँ पे हमारी वेलफेयर स्टेट है नहीं, इगैलिटेरियन स्टेट है नहीं, और देखते हैं कि आटे की लानी में रोजाना लोग जो है वो मर रही हैं। तो ये एक ग्रीड है बेसिकली, हालांकि वो आराम से खड़े रहें तो शायद वो मरे ना वहाँ पर उन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन वो 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 ये लूटने की कोशिश करती है, बल्कि लूट भी लिया है। और एक और जो है हमारी वैल्यूज जो हैं वो उसमें इस ग्रीड की वजह से, हालांकि मजहब तो ये हमें जो है इसी लालच से मैंने जिस तरह बताया ये कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी वैल्यूज में जो है वो ऐसी आ गई है कि हम कॉपी करना चाहती हैं वेस्टर्न कल्चर को, हम कॉपी करना चाहती हैं, हम कहती हैं कि हम कोई शख्स ये नहीं कहता कि मैं गरीब हूँ, सारे वो कहते किसी को गरीब हो क्या। तो ये एक वो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ाती हैं डजन वरी जो है उसने कहा था कि ये हम जो खर्चा करती है ना टू कीप अप विद चांस, कि हम ये कहती हैं कि वो एक जो जिस तरह शादी है मसलन, तो एक आम गरीब कराना है और वो मुकाबला करेगा अपने जो इलाके का बहुत अमीर आदमी है जो चौधरी है मलक है जिसके प्लाजे हैं जिसकी बहुत जायदादें हैं उसके साथ, और वो खाना भी अच्छा देने की कोशिश करेगा।
तो ये इसकी वजह से भी हमारे जो है वो इन्फ्लेशन जो है इन चीजों में जो है, या अच्छे से अच्छा घर वो जो है कहेगा ठीक है ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये नाक की खातर जो है ये सारा कुछ काम इसकी वजह से सॉरी ये बहुत जो है ये एक फैक्टर है, ये वैल्यूज जो है। एक और जो है हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, हम जो है ये छोटे मोटे जरायम जो है जैसे मसलन बिजली चोरी करना, हम इसे चोरी ही नहीं समझते, या किसी के घर जाके कोड़ा जो है हम ये, तो ये बिजली जो चोरी करती है तो वो क्या होता है, मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया कि हमारे यहाँ जो है ये 17% जो है बता रहे हैं जिसमें लाइन लाइसेंस भी है, आप थेफ्ट अलग नहीं, किसी जमाने में ये थेफ्ट जो है ना 25% होता था, बिजली अब भी चोरी करती हैं। तो ये इसकी वजह से जो है वो कास्ट जो है वो बिजली की जो रेट जो है ना वो अगर वो यूनिट सपोज 25 रुपये है तो वो जो है वो लास्ट पूरा करने के लिए वो जो है वो आपके डिस्कोस कंपनी जो है ना वो 30 रुपये कर देंगी, चूंकि उन्होंने लास्ट पूरा करना है। तो ये टू राप पाल टू पे पीटर वाली बात है। तो ये जो ये हमारी समाजी बुराइयां हैं, तो स्मगलिंग भी हमारी समाजी बुराई है, हम समझते नहीं है। बहुत सारे हमारे जो हैं भाई जो हैं वो आज उमरा भी करने जाती हैं और वो नमाज रोज़ा भी करती हैं और साथ वो स्मगलिंग वो कहती हैं कि नहीं ये तो हमारा पेशा है, ठीक है वो जो नमाज हम पे फ़र्ज़ है और जो ये जो है हमारा जो है स्मगलिंग हमारा पेशा है, वो इसे बुराई ही नहीं समझती। ओके जो लॉ ऑफ द लैंड जो है उसकी वायलेशन करना ये भी बहुत बड़ा जो है वो जुर्म है। तो ये आपकी इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक सोशल फिनोमेना भी है। तो ये इस तरह इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल ये सारे मैंने जो आपको बताए हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, उम्मीद है कि आप जो है मेरा लेक्चर जो है वो पसंद करेंगे, मुझे सजेशन भी देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।